जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। और इसलिए मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, और तभी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। विश्व के नेता उसका ट्रांसलेशन करके मुझे कहते कि इसको जरा समझाइए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा, शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारी है ही है, संविधान ने हमें जिम्मेवारियां दी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है। और आप देखिए उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है जी, कभी अनुभव करके देखिए, दिलों को जीतने की कोशिश करें। इस बार के जनादेश की कई विशेषताएं हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे और 2019 में जितने वोट मिले हैं, उसमें जो वृद्धि हुई है करीब करीब 25%, करीब करीब 25%, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर ये देखें हम तो अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जितने वोट मिले थे उतना हमारा इंक्रीमेंट है। यानी स्केल देखिए आप कितना बड़ा स्केल है, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए। और 17 राज्य 17 जहां के मतदाताओं ने 50% या 50% से ज्यादा वोट दिया, ये वे वगैरह सारे शब्द जी मैंने बहुत छोटे लगते हैं। और मुझे जब किसी ने पूछा था कि मैं चुनाव ये चुनाव अभियान में मैं अनुभव कहता हूं मेरा अपना, और ये शब्दों में मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था मैं कहता रहा ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, न मेरी पार्टी लड़ रही है, न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है जी। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा फिर आप इतना दौरा क्यों करते हैं, मैं कहा वोट मांगने के लिए नहीं दौरा कर रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद करने के लिए निकला हूं। और मैं अनुभव करता था जी, मैं मेरे जीवन के कई पड़ाव रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन की एक अलग दुनिया से मैं आया हूं, और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत भली भांति बहुत मेरा जो ईश्वर ने जो मेरे शरीर की मन की बुद्धि की आत्मा की रचना की है उन चीजों को बहुत तेजी से पकड़ती है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव में हार जीत तू तू मैं सब कुछ देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में 2019 का चुनाव ये एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी। ये चुनाव अभियान नहीं था जी। और जब हम शब्दों में कहते हैं जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है, शायद हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर ये शब्द मिले होंगे, मैंने अपनी आंखों से अपने हृदय से अपने आत्मा से अपनी बुद्धि से अनुभव किया है कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है। और मैंने अनुभव किया है कि इस